वैसे प्लास्टिक तक तो ठीक ही था पर कागज के थैले पर भी प्रोडक्ट आता ये हमें पहली बार देखा। फिर भी मटेरियल के ऊपर कंजूसी नहीं किया इन लोगों ने। यहाँ पर देखा जाए तो हमारा प्रोडक्ट साफ साफ दिख रहा है, जितना तक मैं श्योर हूँ अंदर कोई बक्सा नहीं है, बाकी प्रोटेक्शन का तो छोड़ ही दिया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, थोड़ा अनबॉक्सिंग, थोड़ा इंटरेस्टिंग। और आज का टॉपिक अनबॉक्सिंग, और ये बॉक्स तो कतई नहीं है। वैसे देखा जाए तो पीछे इस पैकेजिंग का सील, फिर भी आप इसे एक एनवेलप की तरह फाड़ भी सकते हैं, तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए इसे खोल के निकाल के देख ही लेते हैं, पर ध्यान रहे थैले फाड़ते समय आपका बिल ना फट जाए। ये रहा हमारा 250 रुपए का बिल। हमारे प्रोडक्ट को देखे तो वो दिख रहा है हमारा प्रोडक्ट अकेला लावारिस की तरह पड़ा है। सो गाइस, पैकेट में से हमें मिलता है बिल के सिवा एक 50ml का पेंट का डब्बा, बॉडी पर है बारकोड का सील, लिखा है फ्लैश रेडियम पेंट। प्राइस है तकरीबन 450, पर मुझे ये डिलीवरी चार्ज के साथ 250 में मिला। ग्रीन कलर का एक्रिलिक पेंट है, नीचे है कस्टमर केयर नंबर और दुकान का एड्रेस। अब चलिए तो फिलहाल इस डब्बे को अनडब्बाइंग करते हैं। मुझे लगा 50ml बहुत कम होगा, पर ये तो भरा हुआ है। तो लीजिए, ये सील हट गया। अब इस ढक्कन को खोलते और अंदर का पेंट को बाहर लाते हैं। ऊपर भी फ्लैश लिखा हुआ है, कंपनी का सील कह सकते हैं, एक तरह से थोड़ा टाइट है। ये देखिए ढक्कन हट गया, अब इस वाले सील को हटाना होगा। दरअसल पेन ना सूखे इसके लिए ये सील दिया जाता है, तो थोड़ा ऑयली है और थोड़ा टाइट भी। लीजिए, ये अब हट चुका है, दिखने में थोड़ा अजीब है पर बढ़िया स्मेल आ रहा है, एकदम से मेहंदी जैसा। वैसे कलर आपका सफेद है पर ग्रीन लाइट प्रोवाइड करेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले इसे तेज रोशनी से 1 से 5 सेकंड तक चार्ज करना पड़ता है, पर ऐसा कोई बात नहीं कि ज्यादा चार्ज करेंगे तो ज्यादा चलेगा, जितना भी चार्ज करेंगे ये 1 मिनट तक ही विजिबल रहता है। इसे आप कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे दीवार पर या फिर जमीन पर या फर्नीचर पर, और याद रहे ड्रॉइंग बढ़िया होना चाहिए। ये आपको काफी सारे कलर में मिल जाएगा, पर ज्यादातर लोग ग्रीन ही पसंद करते हैं क्योंकि ये बहुत कम प्राइस में मिलता है, जैसे कि ये है। डब्बे पर लगा स्टिकर के मुताबिक ये वाटरप्रूफ है, साथ ही साथ नॉन टॉक्सिक भी है, पर इसे खाने का नहीं। और भी बहुत कुछ बताया गया है पर समझ में नहीं आ रहा है, तो बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं बताने के लिए। सो गाइस, थैंक यू फॉर देखने के लिए, मैं फिर लौटूंगा इसी जगह एक नया प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए मैं चला मुझसे। बहुत जोर की लगी है।